पांच बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके अतीक अहमद न तो राजनीति के लिए नए हैं और न ही अपराध की दुनिया के लिए। उनके ऊपर हत्या से लेकर तमाम मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने उन्हें सुल्तानपुर से कैंडिडेट बनाया है। हमारे साथ हैं अतीक अहमद। अतीक भाई, अगर आपसे सीधे सीधे पूछूं तो ये कहना गलत होगा कि आप विख्यात नहीं कुख्यात नेता हैं? कुख्यात इस सेंस में कि अच्छे पॉलिसियां लोग जानते ज्यादा हैं, जिसका दायरा ज्यादा बड़ा हो कुख्यात कहलाएगा, जिसका दायरा छोटा हो सीमित रहेगा। आपको समाजवादी पार्टी माननीय सांसद बनाना चाहती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड में आप दुराचारी नंबर 49A हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा नेता अभी का निधन हो गया, नेल्सन मंडेला, 27 साल जेल में थे, किसी समय में मोस्ट वांटेड थे, उसके बाद वो देश के सम्मान बने, और यही काफ़ी होगा कि जो आदमी पांच पांच दफे विधायक रहा हो, निर्दलीय विधायक रहा हो, फूलपुर जैसी पार्लियामेंट से MP रहा हो, तो उतना काफ़ी है कि फिर उसके पीछे तमाम तरह के मसले तो रहेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एक समय आएगा कि आपको भी लोग नेशनल मंडेला की तरह जो है वो... मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके कहने पर, इसलिए कि सारा सर्टिफिकेट चूँकि आप लोग दे रहे हैं इसलिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि नेशनल मंडेला, बताइए किसी वक्त हमने जो इतिहास पढ़ा है उसे मोस्ट वांटेड से 27 साल जेल में रहना और उसके बाद फिर वहाँ देश का जो है प्रथम व्यक्ति होना, बड़ी बात है। लेकिन मंडेला के खिलाफ जो मुकदमे थे, अतीक भाई आपको भी पता है, और आपके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। राजू पाल की हत्याकांड हो, गेस्ट हाउस कांड में मायावती को मारने का मामला हो, आप फरारी काट चुके हैं, तो ऐसे में आप अगर सांसद बन जाते हैं तो आपको ये डर नहीं लगा रहेगा कि एक पाँव संसद में होगा, दूसरा पाँव जेल में होगा? देखिए, एक पाँव संसद में, एक पाँव जेल में होने का मतलब है कि राजनीतिक सफर अच्छा चल रहा है, अभी आप आउटडेटेड नहीं हुए। और दूसरी बात ये कि एक दिन में 123 मुकदमे कायम किए गए, ये शायद आपको ना मालूम हो, एक दिन में 123 मुकदमे हाई कोर्ट ने सारी FIR क्वेश्चन की, तो जिसके ऊपर एक दिन में 123 मुकदमे कायम किए जाए तो उसका क्या मतलब रहेगा? सियासत में है तो मुकदमे रहेंगे। आपको ऐसी क्या खूबी आप में दिखी समाजवादी पार्टी को कि एक दिन में उन्होंने ये तय किया कि आपको दुराचारी से माननीय सांसद बनाना चाहते हैं और दूसरे कैंडिडेट जिसका नाम घोषित हो चुका था उसको हटा करके? आपने क्या कहा, दुराचारी? दुराचारी नंबर, आप लोग के दिमाग में दुराचारी का भूत चढ़ा हुआ है। दुराचारी नंबर, अरे भैया इससे बचे हैं, कोई दुराचारी वो शीटर के लिए वो शब्द पुलिस में इस्तेमाल किया गया है? नहीं नहीं, वो गलत इस्तेमाल किया गया है, और हिस्ट्री शीटर का मतलब ये आपके ऊपर कई मुकदमे हैं तो एक क्रिमिनल हिस्ट्री का नहीं, 74 नहीं है मुकदमे, बता दे रहे हैं कि 123 FIR क्वेश्चन कर गई। और दूसरी बात ये कि माननीय न्यायालय ने हमको कहीं किसी चीज़ में आरोपित नहीं किया, ट्रायल है, और हम तो आपसे एक और बड़ी बात कह रहे हैं कि सियासत में रहेंगे तो अभी और मुकदमे लगेंगे, मुकदमे लगवाने के लिए तैयार हैं आप गिनती कहे गिन रहे हैं? समाजवादी पार्टी एक समय जब अखिलेश यादव ने DP यादव के लिए मना कर दिया था कि वो पार्टी में नहीं आ सकते, इमेज खराब होगी, आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की जो सरकार है जो इस कोशिश में लगी है कि उसकी इमेज सुधरे उसको धक्का लगेगा? एक बात हम आपके चैनल से कहना चाहेंगे कि देश में, दुनिया में सबसे खराब अपराध है सांप्रदायिक तनाव दंगा कराना, उसमें निर्दोष और बेगुनाह मरता है। अभी आपने देखा होगा, आप चैनल ने भी देखा होगा कि दो BJP के विधायक जिनके ऊपर सांप्रदायिक दंगा भड़काने का इल्ज़ाम था उनको राष्ट्रीय पार्टी बनती है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कितनी बिहाई से मंच पर खड़े होकर सम्मानित किया, उस वक्त ये सवाल नहीं उठा था। जिस वक्त अखिलेश जी ने DP यादव के लिए, वो अलग परिस्थितियाँ रही होंगी, वो उनका फैसला था और वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और लेकिन उसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं, अभी आप देखिए दो विधायकों को जेल से कल छूटे, आज वो खड़े होकर उन्होंने सम्मानित किया, अब BJP जो अपने आप को सबसे बड़ी बनती है, तो ये मतलब नहीं है। और जहाँ तक हमारी बात है, 89 से मैं नेताजी के साथ रहा, लेकिन धोखा देके दूसरी पार्टी को वोट भी किया? नहीं नहीं नहीं, धोखा देके वोट करने की बात नहीं है, उसमें बात चूँकि अमर सिंह की वजह से गड़बड़ हुई थी और अमर सिंह का बयान आया था, हमने आप लोगों से यही कहा था उस वक्त कि अमर सिंह हमारे नेता नहीं है, नेताजी का बयान नहीं था, बयान अमर सिंह का था। ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इतनी डेस्परेट है जीत के लिए कि वो आपको लेके, देखिए ये चुनाव नेताजी का चुनाव है, मुलायम सिंह जी का चुनाव है, और उनके अंदर एक बड़कपन है जो कि भारत के किसी भी पॉलिटिशियन में नहीं है, कि उनके अंदर मुरव्वतों का बहुत मामला है, पुराने संबंधों का बहुत मामला है,
जो लोग आज भी उनके साथ नहीं हैं, उनके पुराने लोग हैं, वो आज भी अगर चले जाएं, तो हम समझते हैं कि नेताजी ऐसा जाहिर भी ना करेंगे कि हाँ उनके अंदर कोई नाराज़गी है या कोई उन्हें शिकायत है। और आदमी को सम्मान देना, तो ये एक मसला पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में नज़र उठा के देखिए जो बात मुलायम सिंह जी के अंदर है। आपको भरोसा है कि आप सुल्तानपुर से जीत के आएंगे, सांसद बनेंगे? और लड़ कह रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना, भरोसा का जीतेंगे चुनाव। आपने सुना अतीक अहमद जी को भरोसा है कि वो सुल्तानपुर से चुनाव न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतकर सांसद बनेंगे, और वो ये भी मानते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर एक पांव संसद में हो और दूसरा पांव जेल में हो तो इसका मतलब है कि राजनीति अच्छी चल रही है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ बालकृष्ण, दिल्ली